हाय सुनील, हाय। वेलकम बैक। इन दिस वीडियो आप हमको थोड़े बहुत टिप्स बताने वाले हैं अलग अलग गिटार को लेके, जिससे व्यूअर्स को थोड़ा आसानी होगी। ऑफ कोर्स रिपेयर के लिए आपके पास आ ही सकते हैं। बराबर। तो क्या दिखा रहे हैं अभी आज? अभी काम होता है, काफ़ी लोगों का मतलब ये जो मेटल गिटार है, मतलब जिसमें ट्रेमोलो यूज़ होता है, मतलब डबल वे ये जो पार्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम कभी कभी किसी किसी को क्या होता है कि मतलब जो कभी कभी अनट्यून होता है, मतलब ये, लेकिन उसका एक टेक्निक है, मतलब अगर ऑन द स्पॉट वो कैसा उसको कवर कर सकते हैं, मतलब अगर स्टेज पे बजा रहे हो, स्टेज पे बजा रहे और समझो ऑटो ट्यून हो गया, हाँ ऑटो ट्यून हो गया, तो उसको कैसा कवर कर रहे, तो उसका मैं टिप्स देता हूँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कर रहे हैं कभी, मतलब सडनली मतलब कोई नोट समझो शार्प गया, मुझे समझो ट्यूनिंग अगर शार्प गया चालू इसमें, तो उसको थोड़ा ट्रेवल को ऐसा पुश करना चाहिए, मतलब हल्का सा ऐसा, अगर शार्प जाता है तो थोड़ा सा पुश करना है अंदर की तरफ, तो मतलब वो ऑटोमेटिक वो ट्यूनिंग पे आ जाएगा। अच्छा। उसको किधर भी पहला हाथ नहीं लगाने का। अच्छा। कोई भी मतलब फाइन ट्यूनर्स को भी हाथ नहीं लगाने का, शार्प होता है तो उसको थोड़ा सा फ्लैट करने का ऐसा, तो ऑटोमेटिक ट्यून पे आता है। अगर फ्लैट हुआ तो उसको थोड़ा सा ऐसा बार को ऐसा पुल करने का। अच्छा। तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं होती। ओके। ये काफ़ी लोगों को मतलब प्रॉब्लम आते रहते हैं। ओके। समझो बाई चांस ये कंट्रोल्स कभी कभी ऐसा कार्बन आ जाता है, मतलब इसमें ये रेगुलर इसको स्लाइड करते रहने का, मतलब इसमें क्या कभी कभी कार्बन आता है तो खारकुर खारकुर आवाज आता है, मतलब कार्बन से, तो ऐसा लगता है कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गया, तो लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं रहते, ये रेगुलर थोड़ा सा जब भी यूज भी नहीं करते तो भी उसको ऐसा टर्न करते रहने का। okay. और जब कार्बन आ ही जाता है तो ये स्क्रूज खोल के मतलब उसको अंदर से एक स्प्रे स्प्रे कर देने, मतलब कॉन्टेक्ट क्लीनर का। अच्छा। जो न्यू कमर्स है जो जस्ट शुरुआत करते हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअली अपना गिटार मेंटेन रखना पहला सीख, मतलब साथ साथ में सीखना जरूरी है, मतलब कि मतलब गिटार प्लेइंग के साथ भी मतलब क्लीन करते रहना चाहिए, मतलब ऐसे मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स वगैरह हैं, मतलब गिटार शॉप्स में मिलते हैं क्रीम्स, हाँ क्लीनिंग करने के क्रीम्स वगैरह आते हैं, मतलब अच्छा। मतलब काफ़ी टाइप के, और फ्रेटबोर्ड के लिए भी लेमन ऑयल करके एक ये आता है, मतलब डनलॉप का 65, वो रेगुलर मतलब उसके ऊपर क्लीन करना चाहिए, मतलब। ओके। और मैं एक स्ट्रिंग्स मतलब कभी कभी टूट जाता है ना, तो कुछ लोगों को मतलब बहुत लंबा इधर से उधर जाना पड़ता है, मतलब खाली स्ट्रिंग एकोस्टिक गिटार को इतना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब स्ट्रिंग बदली करना, मतलब तो अपने आप कर सकते हैं, हाँ खुद ऐसा कोई मेजर इशू नहीं, मतलब। ओके। तो ये अभी स्ट्रिंग्स का जो बीट है ऐसा, ये पिन ऐसा रहता है इसमें, ये बीट सब फिक्स किया अंदर, और इसको प्रेस करना चाहिए और इसको थोड़ा ऐसा खींचना चाहिए, इसको मतलब ये लॉक हो गया, ये और बाद में इसका जो ये देखिए इतना डिस्टेंस, चार उंगली का डिस्टेंस ऐसा रखना चाहिए। ओके। और फिर इसको ऐसा टर्न लेने का, ये बता दीजिए ऐसा ऐसा करके, ऐसा ये लॉक हो जाता है, और ये स्ट्रिंग वाइंडर से ये ऐसा लॉक हो जाता है, मतलब स्ट्रिंग इसको शार्प एज ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और बाद में इसको कट करने ये ऐसा जैसे कट करने, मतलब इधर के हाथ भी नहीं लगेगा, लगे नहीं, हाँ। और इसमें क्या लॉक हो जाता है, मतलब स्ट्रिंग, मतलब कोई कोई लोग क्या करते हैं कि इसमें ऐसा स्ट्रिंग डाल के डबल डालते हैं, मतलब होल में, तो वैसा नहीं करने का, उसको ऐसा सिंपल आइडिया जो अभी बताया वैसा कर लेगा, और उसे और फिर
स्ट्रेच करने का थोड़ा, मतलब स्ट्रिंग का थोड़ा खींचने का पहले एक दो बार। अच्छा, तो उससे क्या होता है बाद में अनट्यून नहीं होता है मतलब स्ट्रिंग। बहुत सारे लोग हैं जो समर वेकेशन में, छुट्टी में या कभी पार्टी होती घर में, तो गिटार वैसा दीवार पे या किधर रूम में या कबाट के ऊपर पड़ा रहता है, खाली दिखाने के लिए निकालते हैं फिर बजाते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है और या तो आता नहीं इतना अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। तो वो लोग का इतना डेली यूज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, नॉट फुल टाइम म्यूजिशियन बट शौकिया म्यूजिशियन, तो उन लोग को कितना टाइम पे आके इसको ट्यून करते रहना चाहिए या डी ट्यून करके रखना चाहिए या कैसा रखना चाहिए? वो एक्चुअली ऐसा मालूम है क्या, वो डिपेंड है गिटार के ऊपर डिपेंड है, मतलब उसका जो नेक जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। कभी कभी कोई कोई गिटार्स के नेक्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं मतलब, तो उसको कुछ अनट्यून करने की जरूरत नहीं। तो अब से दो दो महीना भी ऐसा रखेगा ट्यून में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नहीं कोई गिटार अगर ज़्यादा बैंड होते रहते हैं मतलब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, तो उसको एक वन नोट मतलब लो करके रखना चाहिए ट्यून मतलब। अगर वो बैकबो जाता है मतलब इमीडिएटली सॉफ्ट होता है इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट, तो उसको मतलब ट्यून में रखना चाहिए। और साफ कितनी बार करना चाहिए, हर हफ्ते में एक बार? हफ्ते में नहीं मतलब, एक समझो ना कम से कम दो महीने में तो भी एक बार करना चाहिए, महीना एक महीना में जैसा टाइम मिलेगा उससे। अच्छा, एंड बारिश के टाइम में कोई खास प्रिकॉशन इवन फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स की भी कोई खास? बारिश के टाइम में तो मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार्स वगैरह उसमें कुछ मेटल पार्ट भी आते हैं मतलब, सब कंट्रोल्स आते हैं मतलब, तो उसका बारिश के पहले या बारिश के टाइम मतलब उसको लुब्रिकेट करके लेना जरूरी रहता है मतलब, नहीं तो क्या वो जैसे कि अमेरिकन फेंडर स्ट्रैट्स के स्क्रूज होते हैं वो उसके थ्रेड से इंचेस में जो अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं किधर भी। अच्छा। अगर वो जाम होते हैं तो मतलब ब्रिज कुछ काम का नहीं रहते, इतना कॉस्टली गिटार पर वो इधर किधर भी अवेलेबल नहीं मतलब उसके स्क्रूज, तो उसके लिए वो रेगुलर उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है मतलब, उसको ऑयल वगैरह जो रहता है मतलब उसका, जैसे कि WD-40 वगैरह जॉरी ये भी यूज़ कर सकते हैं मतलब। जैसे मैं एक बता सकता हूँ, मुझे इसके जो स्मॉल स्क्रूज होते हैं ये अप डाउन होता है मतलब, इसका जो हाइट अप डाउन होते रहता है इसका, लेकिन वो जब बारिश वगैरह जो आता है मतलब तभी वो थोड़ा टाइट हो जाता है मतलब। ओके, तो उसके लिए वो रेगुलर मतलब बारिश हो या ना हो मतलब रेगुलर उसको लुब्रिकेट करके रहना जरूरी है, नहीं तो एक बार जाम हो जाता है ना तो स्क्रू फिर कट करके निकालना पड़ता है और उसका ऑप्शन नहीं मतलब दूसरा मतलब, तो बेसिकली मेंटेन करते रहना, मेंटेन रहना, इसमें फंगस आता तो क्लीन अप करते रहना चाहिए ऐसा। ओके, कभी फ्रेट ऐसा जैसा आपने पहले बताया पहले वीडियो में कि फ्रेट टूट जाता है लोगों का, फ्रेट्स मतलब एक जैसा प्रैक्टिस में ना इधर ऐसा डेंट आ जाता है पूरा। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से तो बाद में वो रीफ्रेट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा मिल जाता है ऐसा थोड़ा फ्रेट्स का बहुत मुश्किल है मतलब। पर यूजुअली कितने साल में एक बार बदलने का वो आता है? डिपेंड है मतलब प्लेयर्स कितना यूज करते हैं। हाँ, उसके ऊपर। ओके, और कभी कभी मतलब कोई कोई प्लेयर्स का मैं बताया मतलब, जैसे कि एहसान सर का मतलब उनका तो जैसा अलग अलग उनके पास गिटार्स है right. तो उनको गेज के ऊपर ज़्यादा ये मायने रहते हैं मतलब। अच्छा। जैसा उनको वो गिटार पे कैसा फ्रेट चाहिए मतलब नंबर्स रहे मतलब 6110 चाहिए 6100 चाहिए 6105 okay. पर ये तो एक्सपीरियंस और experience उससे ही आता है कि मेरे को कैसा अपने लिए चेंज करके चाहिए उनके हिसाब से। ओके सुनील, थैंक्स फॉर शेयरिंग सो मच। ओके, थैंक यू।